मेरा नाम सूरज कुमार केसरी है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से समाज सेवा कर रहा हूँ दुमका में और अपना व्यवसाय भी है। यह बहुत ही आवश्यक था। प्रधानमंत्री जी का जो भी कार्य है यह बहुत ही भारत को एक वैश्विक महामारी से बचाने की ओर और जनता की भलाई के लिए उठाया गया स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नजरिए ने ही अभी तक भारत में इसे वैश्विक महामारी को बृहद होने से रोका है। अभी अमेरिका, इटली और चाइना के मुकाबले भारत में इसकी संख्या, मरीजों की संख्या कम है और इसे और भी सख्ती से पालन करना होगा। कैसे लोग पालन करेंगे? कई लोग ऐसे हैं जो कि इस बात को नहीं मान रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के पावर को जो है वो कुछ लोग इसको नहीं मान रहे हैं और नहीं मानने के कारण वही लोग ज्यादा नुकसान में हैं। हम किसी धर्म समुदाय का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो लोग नहीं मान रहे हैं उन्हीं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसलिए इसका एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग। और इसमें मैं प्रशंसा करता हूं हमारे प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के सभी नेता आज एकजुट हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी अक्षरशः पालन कर रहे हैं और जितना संभव हो सके सबको मदद पहुंचा रहे हैं। गरीबों को अनाज दे रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में सीधे खाते में पैसे दे रहे हैं ताकि लोग की भुखमरी की समस्या नहीं हो। और इसका एक ही है, मेरा भी दुमका की जनता से यही निवेदन होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करे, यथासंभव ही बहुत अधिक जरूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर निकले, मास्क लगा के निकले, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोए, कोई भी साबुन हो 20 सेकंड तक जरूर हाथ धोए, लोगों से दूरी बना करके रहे। वहां के लोगों को सामाजिक संगठनों के द्वारा उनको जागरूक करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि यह आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आपकी लाइफ रहेगी तो जीवन में आप बहुत ऊंचे आयाम को छू पाइएगा। अगर आपकी लाइफ ही नहीं रहेगी तो फिर सब बेकार है। इसलिए उनको समझाने की जरूरत है। बुजुर्ग हमारे अभिभावक हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे धरोहर हैं और आज उन्हीं की बदौलत से हम लोग हैं। और उनका तो सम्मान, हमारी धर्म परंपरा के अनुसार माता पिता का सम्मान तो सबसे बड़ा सम्मान होता ही है। साथ ही साथ बुजुर्ग होने के कारण से उनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तो उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाहर से आने के बाद डायरेक्ट अपने माता पिता से नहीं मिलके बल्कि पूरी तरह से हाथ को साबुन से धो करके, अपने को सैनिटाइज करके उनसे मिले, उनसे भी दूरी बनाए रखे, उन्हें हमेशा हाइजेनिक रखे और उनका ख्याल रखे। उन लोगों ने जरूरतमंद लोगों को और पुलिसकर्मी जो आज कोरोना योद्धा के रूप में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और सफाईकर्मी के बीच हम लोगों ने राहत सामग्री अपने स्तर से मुहैया कराया। जब तक एसडीओ साहब और डीसी मैम के आदेश से हम लोगों ने यथासंभव 4-5 दिन तक किया, लेकिन जब उनका आदेश आया कि नहीं अभी इसको फिलहाल रोक दिया जाए तो हम लोग फिर अपने घर से ही यथासंभव अपने अगल बगल के लोगों को, समाज के वैसे नीचे सबके लोग जरूरतमंद लोगों को रात हम लोग पहुंचा रहे हैं। संदेश साफ और स्पष्ट है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें, जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसी समय सीमा पर दूरी बना करके सब्जी, राशन और जो जरूरी सामान की आवश्यकता पड़ने पर ही घर से निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर निकले तो मास्क अवश्य पहने, सफाई का समुचित ध्यान रखें और अपने जो प्रधानमंत्री जी ने 7 सूत्री जो उपाय दिए हैं उनका पालन करके अपने और अपने परिवार के लोगों को इस बीमारी से बचाएं।